आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट कैलकुलेशंस यानी डेट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिस्ट में हमने आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मूला कवर किया, लॉजिकल फॉर्मूला कवर किया, अगली कैटेगरी हमारी डेट की आती है। तो चलिए हम डेट की कैलकुलेशन के बारे में आज जानेंगे। और हमारे साथ उमेश जी, शाद जी और रमेश जी है जूम ऐप पे। सबसे पहले बात करते हैं डेट कैसे टाइप करेंगे एक्सेल में। डेट टाइप करना आपका डिपेंड करता है आपके फॉर्मेट के ऊपर कि आपका सिस्टम का फॉर्मेट कौन सा है। अगर आपके सिस्टम का फॉर्मेट है MMDDYY तो जो कि जनरली होता है, तो आज का डेट अगर डालूंगा तो 8वां महीना और 16 तारीख। एंटर मारते ही आप देखिए इसका डेट आ गया। उसी तरह से मान लीजिए कि हमारा डेट का मान लीजिए कि डेट अगर आपका DDMMYY है तो आप 16 और 8 देंगे इस तरह से, लेकिन मेरा सिस्टम नहीं है तो इसलिए डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका किसी को मेल कर रहे हैं और उनका डेट का उनका फॉर्मेट अगर अलग अलग है, जैसे कि उनका मान लीजिए कि 4 जुलाई है, तो अगर आपने 4 जुलाई लिख के दिया तो 4 जुलाई आपका आपका जो फॉर्मेट है वो MMDD है, तो मेरा 4 जुलाई आपके सिस्टम पे जो है हो जाएगा आपका 7 अप्रैल। मतलब कि मेरे सिस्टम का मंथ आपके में डेट बन जाएगा, आपका डेट मेरा मंथ बन जाएगा। तो एक कंफ्यूजन होती है, उसका सोल्यूशन दो है। अगर आप टाइप करते समय कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरह से टाइप कर दें, 1 अगस्त या 16 अगस्त इस तरह से, या फिर डैश भी देने की जरूरत नहीं है, 16 AUG एंटर मारिएगा तो अपने आप टाइप हो जाएगा। अब बात आती है किसी को भेजना हुआ तो उसके लिए आप यहाँ डेट के अंदर में 2016.8.6 कर दिया, 16 नहीं 18 16 कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे डेट्स पहले से लिखे हुए हैं, उनको कैसे करें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ईयर का है जो कि आपके डेट में से ईयर को अलग करता है, फिर फॉर्मूला है हमारा मंथ का जो कि डेट में से मंथ को अलग करता है, और फॉर्मूला हमारे पास डे का है जो कि डेट में से डे को अलग करता है। फिर वापस हमारे पास एक फॉर्मूला है डेट का जो कि तीनों को कंबाइन करता है कि ईयर, मंथ एंड डे। ये तो वही टाइप करने और चेक करने और कंबाइन करने की बात। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन। तो आज की सिस्टम डेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे फॉर्मूला आपके आपके सिस्टम डेट का जो होता है वो लिंक होता है, देता है, हर दिन चेंज भी हो गया आपका। और मुझे इसमें मान लीजिए 20 दिन जोड़ने हैं, सिर्फ 20 दिन जोड़ने हैं, तो आप इसमें +20 कर दीजिए, आपका 20 दिन का रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन मुझे अपने डेट में 3 महीने जोड़ने। अब महीने जोड़ने में ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3×30 और दे दे, वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ई डेट। ठीक है, ई डेट स्टार्ट डेट और महीना आप डाल दीजिए, एंटर मारिए, डेट आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट में आएगा। इसको कंट्रोल सी फैश या डेट की फॉर्मेट से आप उसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। अब ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे माइनस अगर 3 कर दू तो ये आपका माइनस हो जाएगा, 3 कर दू तो ये आपका प्लस हो जाएगा, राइट। तो मंथ की कैलकुलेशन चाहे माइनस करना है या प्लस करना है आप ध्यान रखिए। कोई डाउट आप लोगों सर? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। अब इसमें आगे बात आती है कि अगर मुझे तो भाई डेट था और मंथ था तो जोड़ दिए,
सर इसमें ईयर ईयर भी जोड़ सकते हैं ना? ईयर ईयर जोड़ सकते हैं। जैसे कि 2019 से 2022 कर सकते हैं उधर? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये बताओ काम कैसे करें। जैसे कि मुझे आज की डेट, जो ये डेट है, इस आज की डेट में 2 साल 4 महीने ऐड करना है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट जो तरीका हमने ऊपर चेक किया है उसी तरीके को अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, डेट फॉर्मूला। तो डेट को क्या चाहिए, ईयर मंथ और डे। तो मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूं और ईयर का फॉर्मूला में से इसमें से ईयर को अलग कर देता हूं और प्लस इसमें 2 कर देता हूं, ठीक है। और फिर मंथ में लिया और इसमें से मंथ को अलग किया और प्लस 4 कर दिया। फिर डे लिया, इसमें से डे को लिया और प्लस 30 कर दिया, ठीक है। ईयर 2021 हो गया, मंथ 4 + 8 + 4 = 12 हो गया, डे आपका 16 30 मिलके तो ज्यादा हुआ, तो वो एक महीना रखेगा, बाकी 12 में जोड़ के 13 कर देगा, 13 तो होगा नहीं तो 1 होगा, फिर ईयर को जोड़ के आपका 2021 कर देगा, 22 कर देगा, देखिए, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ 2 साल जोड़ने हैं, only for 2 year, तो इसके लिए हम ई डेट का इस्तेमाल कर लेंगे, ई डेट इसमें लेंगे और कॉमा मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ये रेट में इसमें पहले ईयर फिर मंथ मल्टीप्लाई 12, राइट? ये रेट में, हाँ, डेट प्लस मंथ मल्टीप्लाई। अगर मैं अगर डेट के हिसाब से करना हो तो डेट सेलेक्ट करके उसमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? हाँ, पर मंथ को मत कीजिएगा, डेट को कीजिएगा, ईयर को कर सकते हैं। अब ठीक भाई, अभी हम इसकी डिफरेंस की बात करते हैं। मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट आ गया, या फिर एक फॉर्मूला आता है डेज का, डेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेटेस्ट डेट कॉमा स्टार्ट। लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए एग्जैक्ट वर्किंग डे। ना सैटरडे संडे छुट्टी होता है और कुछ हॉलीडे भी है जो छुट्टी होती है, तो उसके लिए लगाएंगे हम नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज हमने इसको सिलेक्ट किया, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और हॉलीडे लिस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, जो भी हॉलीडे लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो एक दिया इसमें सैटरडे एंड संडे, और हॉलीडे लिस्ट में जो हमें लिस्ट आपने तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप लिस्ट दे सकते हैं, लिस्ट जरूरी ना हो कि इन बिटवीन हो, अलग अलग भी हो सकता है, राइट सर? लेकिन आपकी कंपनी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होती है, वो मंडे टू फ्राइडे चलती है, या फिर मंडे टू संडे टू थर्सडे चलती है, या फिर मंडे टू सैटरडे चलती है, तो उस केस में नेटवर्क डेज डॉट आई एम डी एल आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? नेटवर्क डेज डॉट आई एम डी एल। इसमें मैं स्टार्ट डेट कॉमा यहाँ पे एंड डेट, और फिर इसमें वीकेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि आपकी छुट्टी कब होती है, तो मैंने सिर्फ संडे वाला ले लिया। संडे का सीरियल नंबर क्या है? इलेवन 11 है, तो 11 को सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे 11, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर।
डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं सर। ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंस के लिए। अब एक चीज और हो सकता है, जैसे कि आज का डेट है हमारा, आज का डेट हाँ, और मुझे 20 दिन बाद का, मैंने एक मान लीजिए कंप्लेन किया है, तो 20 दिन बाद का हमें ये मिला है कि 20 दिन बाद हम इस पे रिवॉर्ड करें। तो इसके लिए मतलब कि 20 दिन बाद कौन सा डेट होगा, अगर सैटरडे संडे वॉक होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डे का, वर्क डे डेट नंबर ऑफ डेज एंड होलीडे लिस्ट, राइट। लेकिन अगर सैटरडे संडे नहीं कोई और डेट पे हुआ तो हमारे पास वर्क डे डॉट इंटरनेशनल स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज एंड होलीडे कि आपके छुट्टी कब हो रही है, और फिर यहां पे ये रहा आपका होलीडे लिस्ट। ठीक है, कोई डाउट सर? हेलो, सॉरी सर मेरा मॉडेम ये स्टार्ट हुआ था, लाइट फिक्स। हेलो उमेश जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, सुन पा रहे मुझे आप? जी सर। तो वर्क डे समझ में आ गया आपको? जी आ रहे सर। वर्क डे फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना आपको सर? अब बात करते हैं किसी की कंप्लीट एज निकालने की। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 10th जुलाई 1987 है, और मुझे क्या करना है, ये पता करना है कि आज के डेट में उसका एज क्या है, और मुझे एज जो है ईयर कितना, साल कितना, महीना और कितना दिन है वो पता करना है एग्जैक्ट। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेट डिफरेंस, डेट डी आई एफ, कुछ लोग इसको डेटे डिफ बोलते हैं जो गलत है, डेट डिफरेंस होता है, डी आई एफ डिफरेंस से लिया गया है। ब्रैकेट ओपन किया, अपडेट डिफरेंस फॉर्मूला जो है आपका एडिंग फॉर्मूला है, तो लिस्ट में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और फिर इसमें क्या लेना, वाई, तो हमने वाई ले लिया, ये आ गया। ठीक है, तो मंथ हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, तो मंथ में गलत कर दिया, ओह सॉरी, डेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और फिर यहां पे हम एम देते हैं। अगर आपने एम दिया एज इन मंथ आ जाएगा, जो 200-300 महीना, लेकिन मुझे ईयर 31 साल के बाद चाहिए, तो हमने यहां पे Y M कर दिया, right? इसको लिया कॉमा, इसको लिया, और मुझे महीना चाहिए तो मैं MD करूंगा,
महीने के बाद दिन होना चाहिए, मतलब कि एज हो गई 31 साल 10 महीने और 19 दिन, ठीक है सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हेलो, अरब जी, विशाल जी, अमित जी, नहीं सर कोई डाउट नहीं, तो ठीक है इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और फिर हम कल सुबह मिलते हैं और अगला टॉपिक हमारा होगा टाइम कैलकुलेट, ठीक है? ठीक है सर, डाउट नहीं उसमें? नहीं नहीं सर। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है सर।